हम सोने से पहले जो चीजें करते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको रात के समय की जाने वाली कुछ बेहतरीन आदतें बताएंगे जो आपको कई चीजें करने में मदद करेगी। पहला, चेहरा साफ करना। यदि आप एक स्वस्थ त्वचा चाहते हैं तो आपको इसे अभ्यास में लाना ही होगा। यदि आप सोने से पहले अपना चेहरा साफ नहीं करते हैं तो दिन के दौरान आपकी त्वचा पर रहने वाले पर्यावरण से मुक्त कणों को आपकी त्वचा पर रात भर रहना पड़ता है। यह मुहासों का कारण भी हो सकता। दूसरा, किताब पढ़ना। सोने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे फालतू के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, जिसके कारण हम एक स्वस्थ नींद नहीं ले पाते हैं और सुबह उठते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। बिस्तर से पहले पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। यह रचनात्मकता, सहानुभूति और मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाता है। पढ़ना भी लोगों को कम तनाव महसूस कराता है और उन्हें बेहतर नींद में मदद करता है। किताबों के पाठन से हमारे मन को आंतरिक शांति मिलती है। प्रयोगों से पता चला है कि यह नींद को प्रेरित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसीलिए हमें प्रतिदिन सोने से पहले कुछ मिनट हमें आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी किताबें पढ़ना चाहिए। तीसरा, स्ट्रेचिंग। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेचिंग की एक अच्छी आदत है। यह न सिर्फ आपके जोड़ों और लचीलेपन के लिए बेहतर है बल्कि यह आपकी नींद में भी मदद कर सकता है। स्ट्रेचिंग करने से हमारे शरीर की फुर्ती बढ़ती है और चोट लगने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेचिंग हमारे मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सक्षम बनाती है और उनमें खून की उपलब्धता और पोषण तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में मदद करती है। चौथा, बिस्तर पर 15 मिनट पहले जाएं। नींद आपको बेहतर महसूस कराती है। नींद आपके स्वास्थ्य और उत्पादकता पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा है। पांचवा, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयास करता है। यह तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है और दिमाग की शांति प्रदान करता है। ध्यान के अनंतहीन लाभ है जिसमें से बेहतर स्मृति, अधिक रचनात्मकता और कम चिंता शामिल है। छठा, जिसके लिए आबरी हो उन चीजों को लिखें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखें जिसके लिए आप दिल से आभारी हो, या 3 ऐसे लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप दिल से धन्यवाद देना चाहते हो। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक सोच विकसित होगी और आप लोगों की पसंद भी बन जाओगे। कृतज्ञता वास्तव में शक्तिशाली उपकरण के रूप में जानी जाती है जो आपको प्राप्त चीजों की सराहना करने में आपकी मदद करता है। सातवां, अगले दिन की योजना बनाएं। कल के लिए अपने दैनिक जीवन के लक्ष्य लिखें और फिर सूची के माध्यम से जाएं और वस्तुओं की समीक्षा करें। चीजों के लिए अग्रिम योजनाएं आपको समय से पहले निर्णय लेने में मदद करती है और आपके मस्तिष्क के संज्ञानात्मक भार को कम करने में मदद करती है। आपको इनमें से कौन सी आदतें अच्छी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे और बेहतरीन वीडियो के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।